सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आज हम क्लास 12 इतिहास में इतिहास का वीडियो इतिहास पढ़ेंगे क्लास 12 में। और इतिहास में हमारा टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे कि हमारा जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास में टॉपिक दे रखा है सिंधु घाटी सभ्यता। इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज हम पढ़ेंगे इतिहास में। सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये कांस्ययुगीन सभ्यता है। कौन सी है? कांस्ययुगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसे सर्वप्रथम, इस सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वप्रथम एक अंग्रेज चार्ल्स मैसन ने, अंग्रेज था उसका नाम था चार्ल्स मैसन, एक अंग्रेज था चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान पर, हड़प्पा नामक स्थान पर एक पूरा स्थल के रूप में पहचाना। हड़प्पा नामक स्थान पर, अब हड़प्पा नामक स्थान था इस स्थान का, ये स्थान का नाम था, इस स्थान पर एक पूरा स्थल के रूप में पहचाना इसे। परंतु वह इसकी प्राचीनता के बारे में, कोई अनुमान नहीं लगा सका कि ये कितना पुराना है, ये अनुमान वो नहीं लगा सका। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसको सबसे पहले कहां पहचाना था? हड़प्पा नामक स्थान पर इस पूरा स्थल को रूप में इसको पहचाना गया था, क्योंकि इसकी खोज सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल पर हुई थी। इसलिए इसे हड़प्पा नाम से जाना जाता है। और हड़प्पा नाम देने वाले जो आदमी थे वो थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने इसको क्या नाम दिया था? जॉन मार्शल ने हड़प्पा नाम इसको दिया था। और ये सभ्यता सिंधु नदी घाटी में पनपी, सिंधु नदी घाटी में जो सभ्यता पनपी थी उस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसी का आज हम अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जो कांस्ययुगीन सभ्यता है, उस समय कांस्य से बने हुए जो भी धातु थे, कांस्य रूपी जो बर्तन वस्तुएं जो बनाई जाती थी वो कांस्ययुगीन थी। ठीक है, इसको एक बार तुम ढंग से देख लो कि जिसे सर्वप्रथम एक अंग्रेज चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान पर पूरा स्थल के रूप में पहचाना, परंतु इसकी प्राचीनता के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सका। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल पर हुई थी। इसे हड़प्पा नाम सर जॉन मार्शल ने दिया। और ये सभ्यता सिंधु नदी घाटी में पनपी, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो सबसे पहले इस पूरा स्थल की खोज, की बात करें तो ये हुई थी 1826 में, यानी सबसे पहले 1826 में इसकी खोज हुई थी। इसके बाद अब हम बात करेंगे उत्खनन, जो इसका उत्खनन हुआ सबसे पहले 1826 में हुआ, और उसके बाद फिर अलग अलग सनों में इसका उत्खनन होता चला गया। चार्ल्स मैसन ने इसको उत्खनन कर दिया पर इसको पहचान नहीं पाया। इसके बाद 1853 से लेकर 1856 तक इसका दूसरा कार्यकाल रहा, 1853 से लेकर 1856 तक दूसरा कार्यकाल रहा, और उसमें भी इसकी खोज की गई, यानी उत्खनन इसका किया गया। उस समय हमारे भारत के अंदर रेलों का चलन, यानी उस समय रेल बिछाई जा रही थी, रेल का आगमन भारत के अंदर हो गया था, उस समय इसकी खोज की गई। उधर पाकिस्तान में कराची से लेकर लाहौर तक लाइन बिछाई जा रही थी, इसलिए वहां भी खुदाई का कार्य हुआ था। तो हम इसके उत्खनन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद सर जॉन मार्शल ने 1921 में उत्खनन किया, और उत्खनन के रूप में सबसे पहले हड़प्पा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थान था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सब उसी समय बने। 1921 में हड़प्पा की खोज की दयाराम सहनी के द्वारा, और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की, और वो कीर्तिराकाल दास बर्मन जी द्वारा।
तो इस प्रकार हमने एक एक स्थानों का उत्खनन किया, कितने स्थान हमको मिले, किन किन देशों में ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है, कौन कौन से राज्यों में यह सभ्यता भारत के अंदर फैली हुई है, इसके अलावा कौन कौन से स्थान है जिससे हमें क्या क्या वस्तुएं मिली है, किस प्रकार की ये सभ्यता रही थी। वैसे ये सभ्यता की बात करें तो कांस्टेंटिनोपल सभ्यता थी, इसको नगरीय सभ्यता भी कहा गया था। क्या कहा गया था? इसे नगरीय सभ्यता भी कहा गया था। वर्तमान जैसी स्थिति उस समय भी थी, तो ठीक है इस पे हम अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले उत्खनन की बात करेंगे। उत्खनन सबसे पहले चार्ल्स मैसन द्वारा कब किया गया? 1826 में। इसके बाद में कराची से लाहौर, कराची से लाहौर ये रेल मार्ग निकाला गया, इस समय खोज की गई। ये जो समय था वो था 1853 से 1856 का समय था ये। इसके बाद अगर बात करें तो सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल 1921, सर जॉन मार्शल 1921 में इसका उत्खनन प्रारंभ कर दिया था। तो ये उत्खनन से संबंधित कुछ बिंदु थे। चार्ल्स मैसन ने 1826 में इसका सबसे पहले इसको पहचाना था। कराची से लाहौर रेल मार्ग निकाला गया था 1853 में, 1856 के बीच में इसके पूरा स्थल खोजे गए थे। और सन जॉन मार्शल ने सबसे पहले इसको भारत के अंदर के आगमन की बात करें, भारत के अंदर इसकी शुरुआत की बात करें तो सन 1921 में हुई। कब हुई? 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा। सन जॉन मार्शल उस समय महानिदेशक थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक। सन जॉन मार्शल क्या थे? भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक, और इनके महानिर्देशक के नेतृत्व में दयाराम सहानी के नेतृत्व में दयाराम सहानी द्वारा भारत में इसका पहला स्थल खोजा गया, और स्थल का नाम था हड़प्पा। स्थल का नाम क्या था? हड़प्पा। इस हड़प्पा नामक स्थान की खोज भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे वो कौन थे? सन जॉन मार्शल और दयाराम सहानी उत्खनन करता थे। हड़प्पा नामक स्थान की सबसे पहले खोज की गई थी। तो उत्खनन से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्रवाइयां थी वो बड़ी। इसके बाद हम बात करें तो अब ये किन किन देशों में फैली हुई थी, ये किन किन देशों में फैली हुई थी, सबसे पहले ये
तीन देशों में फैली हुई थी। अफगानिस्तान दूसरा, पाकिस्तान और तीसरा भारत। तीन देशों में पहले हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था और भारत था। इन तीनों देशों में कौन सी सभ्यता पहले हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता पहले हुई थी। तो हमने अफगानिस्तान से दो स्थान थे, अफगानिस्तान में जो महत्वपूर्ण थे दो स्थान, उनके नाम मैं यही लिख रहा हूं। सुरतगोई दूसरा था, मुंडीघाट, ये दो स्थान थे सुरतगोई और मुंडीघाट। ये दोनों स्थान हमें कब प्राप्त हुए हैं? सुरतगोई और मुंडीघाट अफगानिस्तान में। पुरातत्व विभाग ने इन दो स्थानों को की खोज की थी, एक तो सुरतगोई से और एक मुंडीघाट से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ये अफगानिस्तान की बात थी। पाकिस्तान में जो प्रमुख रूप से बात करें तो वर्तमान में, वर्तमान की बात अगर करें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, ये जो स्थान थे ये हमें वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसके बाद सूत कांगेरो, सूत कांगेरो, ये भी पाकिस्तान में है। तो इन स्थानों की खोज हमने कहां से की? पाकिस्तान से की। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, सूत कांगेरो, उस समय तो ये स्थान हमारे भारत में ही थे क्योंकि उस समय पाकिस्तान का निर्माण नहीं हुआ था, पाकिस्तान 1947 में हुआ था। आज ये स्थान है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और सूत कांगेरो, ये आज पाकिस्तान में। और भारत, भारत के अंदर हम अनेक स्थान पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे मांडा, आलमगीर, पुरे, दैमाबाद, रंगपुर, लोथन, तुलालिया, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, रोपड़े, अनेक स्थान थे मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद, रंगपुर, लोथन, धोलावीरा, राखीगढ़ी, रोपड़े, ये प्रमुख स्थान थे। मैं प्रमुख स्थानों की बात कर रहा हूँ। कालीबंगा जैसे राजस्थान का है, कालीबंगा, ये वो स्थान थे जहां से हमने पुरातत्व विभाग के अनुसार यहाँ से हमने उत्खनन किया है। क्या किया है? उत्खनन किया है। और यहाँ से भी सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। तो ये तमाम भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन तीन देशों में ये फैले हुए हैं। अब इसके उत्खनन के बाद अब हम इसकी चर्चा करेंगे कि इसका विस्तार, कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता महत्वपूर्ण हमारे लिए भारत की, कि हम भारत में सिंधु घाटी सभ्यता कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है, उन राज्यों पर भी चर्चा करेंगे हम। इसके अलावा उन राज्यों के साथ साथ भारत में इसका विस्तार कैसे कैसे है, किन किन राज्यों में है, कितना इसका क्षेत्रफल है, इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे।
अब मैं लिख रहा हूं पहले सबसे पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता का मैं क्षेत्रफल आपको बता दूं। क्षेत्रफल सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल, आज ये क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर 12,99,600 वर्ग किलोमीटर यानी लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये फैली हुई सभ्यता है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई क्या है सभ्यता है क्षेत्रफल। विस्तार की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं विस्तार, इसका विस्तार क्षेत्रफल हो गया 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल दे रखा किताब ने, और लगभग अगर आंकड़ों की बात करें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल क्या फैली हुई है। इसके विस्तार की बात करें तो उत्तर ये में उत्तर दिशा है, ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिणी दिशा हो गई ये पश्चिमी दिशा हो गई और ये पूर्व दिशा हो गई, ठीक है ना। उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिमी दिशा। अब पश्चिम से पूर्व की अगर इसकी बात करें तो ये इसकी लंबाई है 1600 वर्ग किलोमीटर 1600 किलोमीटर कितनी है 1600 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर, मैं इधर लिख दूं लंबाई, और इधर की बात करें उत्तर से दक्षिण की तो ये 1400 किलोमीटर कितनी है 1400 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है 1400 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व की लंबाई है 1600 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर में एक स्थान है मांडा, ये कहां पड़ता है जम्मू कश्मीर, कहां पड़ता है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में स्थान पड़ता है मांडा नामक स्थान, कौन सा स्थान मांडा नामक स्थान, ये मांडा नामक स्थान है जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी पड़ती है चिनाब नदी, कौन सी नदी पड़ती है चिनाब नदी, ठीक है ना। बात करें दक्षिण की तो दक्षिण में स्थान पड़ता है दैमाबाद स्थान है, और ये दैमाबाद स्थान है अहमदनगर महाराष्ट्र, अहमदनगर महाराष्ट्र। यह नदी की बात करें तो परवरा नदी, कौन सी नदी परवरा नदी। पश्चिम की बात करें तो यह स्थान है सूद कांगड़ो, कहां पड़ता है पाकिस्तान, कहां पड़ता है पाकिस्तान। नदी की बात करें दास नदी, कौन सी नदी दास नदी। इधर बात करें आलम गिरपुर, आलम गिरपुर कहां पड़ता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नदी की बात करें तो नदी कौन सी है
इंजन है। देखो एक बार समझो, इसको समझने का प्रयास करो इसका, कि इसको कैसे समझा जाता है। देखो सबसे पहले विस्तार की बात कर रहे थे हम, और विस्तार में इसका क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह फैली हुई है। अब इसकी भारत में इसकी विस्तार की बात करेंगे, इसमें बात करेंगे भारत में इसकी बात करेंगे, तो भारत में अगर इसके विस्तार देखें उत्तर से दक्षिण में, तो उत्तर में इसका विस्तार है मांडा जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर, ये मांडा नामक स्थान है, उत्खनन स्थान है ये मांडा, जो जम्मू कश्मीर पड़ता है अखनूर जिले में, कौन से जिले में पड़ता है अखनूर जिले में, मांडा अखनूर जिले में पड़ता है, जम्मू कश्मीर राज्य है जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, और चिनाब नदी के किनारे, कौन सी नदी, चिनाब नदी के किनारे मांडा नामक स्थल खोजा गया जो उत्तर में पड़ता है। तो दक्षिण में कौन सा स्थान पड़ता है, दैमाबाद, दक्षिण में दैमाबाद, कहीं दैमाबाद भी इसको दे रखा है, ठीक है ना, कहीं दैमाबाद भी इसको दे रखा है। तो ये नामों में परिवर्तन है, प्राचीन और पूर्व नाम, ये दैमाबाद प्राचीन और नवीन नामों में फर्क आ जाता है। दैमाबाद जो दक्षिण में आए, दक्षिण में है, ये कौन से जिले में है, अहमदनगर जिले में है, अहमदनगर जिला जो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में कौन सा दैमाबाद स्थान है। कौन सी नदी पे इसकी खोज की गई, नदी थी और नदी का नाम था परवरा नदी, कौन सी नदी, परवरा नदी, तो परवरा नदी पे दैमाबाद नामक स्थान खोजा गया जो दक्षिण में है। अंतिम बिंदु है दक्षिण का, वही बात करें पश्चिम, तो पश्चिम में इसका विस्तार है सूत कांगड़ोर, कौन सा स्थान है, सूत कांगड़ोर, ये बलूचिस्तान, जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का क्षेत्र, वहां पड़ता है सूत कांगड़ोर, जो पाकिस्तान में पड़ेगा, यहाँ सूत कांगड़ोर में इसका पश्चिमी जो क्षेत्र है वो सूत कांगड़ोर तक फैला हुआ है। अगर भारत की बात करें भाई, यहाँ तो उत्तर में तो भारत ही है और दक्षिण में भी भारत ही है, पूर्व में भी भारत ही है, बात पश्चिम करें तो पश्चिम में पाकिस्तान तक गया, तो पाकिस्तान तक तो इसका सूत कांगड़ोर पाकिस्तान में है। वहीं बात करें भारत की तो यहाँ गुजरात लास्ट का है, गुजरात भारत तक इसका फैला हुआ, गुजरात के लोथल तक इसका फैला हुआ, बाकी हम पश्चिम स्थान तो हमारा पश्चिम पाकिस्तान तक इसे स्थान जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी फैली हुई है, इसे सूत कांगड़ोर जो पाकिस्तान में पड़ता है। कौन सी नदी, दास नदी, कौन सी नदी, दास नदी, दास नदी पर इसका प्रथम पुरा स्थल खोजा गया सूत कांगड़ोर, कौन सा स्थान, सूत कांगड़ोर। वही पूर्व की बात करें तो पूर्व में इसका स्थान, पूर्व में इसका स्थान आलमगीरपुर, कौन सा, आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कौन सी नदी पे, हिंडन नदी, कौन सी नदी पे, हिंडन नदी पे। अब देखो सारी जितनी भी पुराने स्थलों की खोज हुई है वो नदियों के किनारे हुई है, किसके किनारे हुई है, नदियों के किनारे, इसलिए नदियों के नाम याद रखना जरूरी है। तो मांडा स्थल था ये चिनाब नदी के किनारे था, आलमगीर था हिंडन नदी के किनारे था, बात करें सूत कांगड़ोर ये दास नदी के किनारे था, और इधर दक्षिण की बात करें दैमाबाद, तो दैमाबाद में कौन सी नदी किनारे था, परवरा नदी के। तो ज्यादातर जो उत्खनन हुआ है वो नदियों के किनारे में हुआ है, तो ये इसका विस्तार था। अब उत्तर से और दक्षिण की लंबाई पूछ रहे हैं कितने किलोमीटर इसका विस्तार है, तो उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर, कितनी है, नहीं 1400 किलोमीटर, सॉरी 1400 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है 1400 किलोमीटर, कितनी है 1400 किलोमीटर, यानी उत्तर से और दक्षिण तक 1400 किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई, 1400 किलोमीटर, यह ध्यान रखना है। वही पश्चिम से पूर्व में इसकी लंबाई कितनी है 1600 किलोमीटर, यानी पश्चिम से और पूर्व में ये 1600 किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई, ठीक है ना, इसकी लंबाई मैंने आपको बता दी पश्चिम से पूर्व की और उत्तर से दक्षिण की 1400 और पश्चिम से पूर्व की 1600, ठीक है, ये विस्तार है। और विस्तार में सबसे बड़ी बात कि इसका क्षेत्रफल याद रखना है, कौन सा याद रखना है, क्षेत्रफल याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो लगभग हम 13 लाख लिख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल, ठीक है ना, और अगर सही आंकड़ा देखोगे 12,99,600 इस किताब में दे रखा है। इसकी लंबाई थोड़ा याद रखनी है, पश्चिम से पूर्व की लंबाई पूछ रहे या उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ रहे, ठीक है, उत्तर में मांडा किस स्थान पर, चिनाब नदी पे है, सूत कांगड़ोर कौन सी नदी पर उत्खनन हुआ, दास नदी पर हुआ, आलमगीरपुर कौन सी नदी पर हुआ, हिंडन नदी पर हुआ, वहीं दैमाबाद कौन सी नदी पर हुआ, परवरा नदी पर हुआ, दैमाबाद कौन से राज्य में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, आलमगीरपुर कौन से राज्य में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है,
मांडा कौन से राज्य में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, सुल्तान और कहां पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना। ये तमाम एक एक नंबर के क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब इसके सबसे पहले हम उत्खनन, और उत्खनन में इसकी जो सन जो तारीख तय की गई वो इसका उत्खनन सबसे पहले सी कार्बन, कौन सी पद्धति, एक बार इसको देख लो आप, ये ढंग से आपके क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए इधर बता देता हूं मैं, C14 ये कार्बन डेंटिंग पद्धति थी, C14 कार्बन डेंटिंग पद्धति। और कार्बन जिस वस्तु कार्बन होता है, लकड़ी है, कोयला है, कार्बन C14 कार्बन पद्धति के अनुसार इसकी खोज कब की गई, उस उत्खनन की, ये माना गया है इसका 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ध्यान रखना है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, इतनी पुरानी क्या है ये सभ्यता है, ये भी ध्यान रखना है। ये किसके आधार पर हमने तय किया है, C14 यानी कार्बन जो पद्धति है, कार्बन डेटिंग जो पद्धति होती है। अब कार्बन जैसे कोयले पे कार्बन लगता है, लकड़ी पे कार्बन लगता है, उसके आधार पर हमने इसकी खोज की गई है उन वस्तुओं के आधार पर कि ये 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व पुरानी क्या है सभ्यता है। तो इसको ध्यान रखना है, ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि C14 पद्धति के अनुसार कितनी पुरानी सभ्यता है, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता है। क्षेत्रफल को क्लियर याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे,